अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू टॉपिक रेक्टेंगल इन कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज रेक्टेंगल? देखिए, क्वाड्रिलेटरल शेप एक ऐसी शेप होती है जिसकी फोर साइड्स हो, ठीक है, और जो इसकी फोर वर्टिसेस है ना वो नॉन कोलिनियर हो। तो बेसिकली रेक्टेंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड इन प्लेन बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कंडीशन सेम है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनती है, ठीक है, इन विच टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, इक्वल इन मेजर और इक्वल इन लेंथ, यू कैन यूज बोथ वर्ड्स। ठीक है, और यू कैन से दैट All angles are of measure 90 degree। ठीक है, अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, all angles are of measure 90 degree, इसके साथ आप इसी कंडीशन को अगर मजीद एक्सप्लेन करें तो मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि diagonals are equal। ठीक है, मतलब डायगनल्स की लेंथ इक्वल होगी। अब हम ऐसा करते हैं, एक शेप यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसके लिए प्रॉपर हम सारी कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें ना, एक प्रॉपर शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं, ये ए बी सी डी है। ठीक है, और ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है ना तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं, तो बेसिकली ए बी डिस्टेंस और डी सी डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये है। अब सेकेंड हमें कंफर्म होना चाहिए कि ए डी डिस्टेंस और सी बी डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल है। ठीक है, फिर हमने यहां पे क्या कहा है कि ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। मतलब यहां पे जितने भी एंगल बनने चाहिए ना, ए बी डी सी सी डी या यहाँ पे, ये सब के सब 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए ना, तो बेसिकली यहाँ पे हम दो तरह की कंडीशन चेक कर सकते हैं। एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डायगनल्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, डायगनल्स का मतलब होता है कि जब आप दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं ना क्वाड्रिलेटरल शेप में, तो उससे डायगनल ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल शेप में डी और बी ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इसी तरह सी और ए दो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। जब आपने इनको ज्वाइन किया तो बी डी और ए सी दोनों डायगनल्स आ रहे हैं। ठीक है, जब आपने डायगनल्स ड्रॉ किए ना, तो उनमें देखिए, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसी शेप को दोबारा ड्रॉ करके जस्ट इतनी कंडीशन लिख लेते हैं ए बी सी डी, और इसमें हम एक डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने ये डायगनल ड्रॉ किया ना, हमने इस एंगल को 90 प्रूव करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर ये ट्राइंगल है ना, तो ये राइट ट्राइंगल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल शेप रेक्टेंगल हुई तो ए पे 90 एंगल होना चाहिए। अगर ए पे 90 होना चाहिए तो बेसिकली डी बी हाइपोटेनियस आ रही है, तो हाइपोटेनियस के स्केयर को चेक कर लें, बाकी दोनों साइड्स के स्केयर की इक्वल अगर आ रहा है तो मस्ट है कि ये शेप रेक्टेंगल होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो डी बी डायगनल है ना, इसके स्केयर को आपने चेक करना है कि अगर ये ए बी स्केयर प्लस ए डी स्केयर के इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन आपको हमेशा बताएगी कि ये जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, तो बेसिकली हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन पे और उस पर प्रॉपर चेक करते हैं कि रेक्टेंगल शेप को हमने कैसे वेरीफाई करना। एग्जाम्पल में यहाँ पे चार पॉइंट्स आपको गिवन है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये अगर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रूव करना है बाय प्रॉपर कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखें, चार पॉइंट्स गिवन है, आप ऐसा करें ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स को यहाँ लिख लें, और हमें कंफर्म होना चाहिए कि पहले आपने ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर ए डी फाइंड आउट करना है, ये चार साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अगर ये वर्टिसेस
है रेक्टेंगल की, तो बेसिकली हमें ये सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करने चाहिए और दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ रेफरेंस दे देते हैं कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना, तो ए बी में -2 + 2² +3 - 0² आ रहा है, ठीक है। डेट इज 0² +3² 3² इज 9, आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, बी सी फाइंड आउट कर लें, तो बी सी का मतलब है बी और सी के आप कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, तो ए बी तो पहले यूज कर चुके हैं, अब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आप यूज करें, तो बी में आपके पास -2, 3 है, सी में 2, 3 है, ठीक है। तो 2 + 2² +3 - 3² आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 + 2 = 4, 4² = 16, 16 + 0² 16 एज इट इज, तो स्केयर रूट ऑफ 16 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपने सी डी फाइंड आउट करना है, तो सी डी के लिए सी और डी के पॉइंट्स को यूज करना होगा, तो 2 - 2² 0 - 3², ठीक है। तो बेसिकली आंसर आ रहा है 0 + 3² = 9, ठीक है। तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच विल बी 3। अब हमें यहाँ पे डी ए फाइंड आउट करना है, तो डी ए का मतलब ये है कि ए और डी में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डी ए के लिए 2 + 2² 0 + 2² आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 = 4², ठीक है, और 2 डी ए के लिए 0 - 0² होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 0, 0² = 0, तो 4² = 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी 4, ठीक है। अब जरा कंपेयर करें, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप इनके आंसर्स को चेक करें, 3 और 3 इक्वल आ रहे हैं, तो आप मेंशन कर दें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और इन दोनों की लेंथ आपके पास 3 की इक्वल आ रही है, ठीक है। और साथ ही हम दूसरी वाली साइड भी मेंशन कर देते हैं कि बी सी की लेंथ और डी ए की लेंथ आपस में इक्वल आ रही है, एंड दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखें, ए बी सी डी बी सी ए डी आपने प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया, और ये दो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो इट मींस ये रेक्टेंगल हो सकती है जब आपके पास इसमें जो पॉइंट एक ऐसा आना चाहिए जिसपे 90 का एंगल बनना चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक रफ स्केच कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर है कि ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और डी ए इक्वल है, तो यहाँ पे एक हम रफ सी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल ए बी सी डी आप मार्क करते हैं, तो यहाँ से बी सी ए डी की इक्वल है, ए बी और बी सी आपस में, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखें, हमें यहाँ पे ना एक डायगोनल ड्रॉ करना है, तो बी डी डायगोनल, अगर हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे एंगल 90 का आना चाहिए। अगर यहाँ एंगल 90 प्रूव करना है, तो हम ऐसे करते हैं, बी डी डायगोनल जो है ना, बेसिकली वो हाइपोटेनियस बनेगी, तो हमें वो फाइंड आउट कर लेना चाहिए। डी बी या बी डी दोनों में से जो भी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, बी डी या डी बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने प्रॉपर यहाँ पे -2 - 2 का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, और फिर आप 3 - 0² ले लें इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली ये -4² के इक्वल है,